गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी में चैप्टर सेकंड है, जिसमें अपन विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। अपने लास्ट एक जनजाति और बची हुई है, गोड जनजाति। तो अपन ने भील जनजाति जो पढ़ी थी, भील जनजाति के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भील जनजाति कहाँ निवास करती है, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका शारीरिक बनावट कैसी होती है, निवास क्षेत्र कहाँ है, आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या कार्य करते हैं वो। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलापों में अपन ने पढ़ा था आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास, उनके आवास कैसे होते हैं, कौन से औजार बर्तन काम में लेते हैं, उनकी समाज और संस्कृति कैसी है। उनमें अपने इन चीज़ों के बारे में, भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। तो इस जनजातियों में एक समानता ये है कि अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है, जब जितने पॉइंट अपन भील जनजाति में पढ़ रहे हैं, एस्किमो में पढ़ रहे हैं, बुशमैन में पढ़ रहे हैं, तो सेम वही पॉइंट प्रत्येक जनजाति में अपने को नोट करने हैं। और उसको इसके नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। तो इस चैप्टर को समझाने के माध्यम से अपन दोबारा इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन नोट्स आपके पास है, तो अपने बुक के अनुसार बुक में से देख करके आपको इस जनजाति को ध्यान से समझना है। सामने बुक भी रखें और इसको सुनते जाए। अपन ने एक पॉइंट था जिसको अपन भील जनजाति के बारे में पढ़ा था कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से भील जनजाति में या अन्य किसी भी जनजाति में क्या परिवर्तन हुआ। तो अपन कई बार देखते हैं कि आधुनिक संस्कृति यानी अभी वर्तमान संस्कृति जो है, इसके संपर्क में आने से व्यक्ति में परिवर्तन बहुत सारे होते हैं कि उनकी वेशभूषा परिवर्तित हो गई, उनका खान पान परिवर्तित हो गया, उनका रहन सहन परिवर्तन हो गया, यानी वो कच्चे घरों से पक्के घर बनाने लग गए। इसके अलावा वो क्या जो शिकार करते थे उसको छोड़ करके कृषि करने लग गए। कृषिकारियों के अलावा आर्थिक रूप से वो मजदूरी करके भी अपना पेट पालन करने लग गए। ये सारी चीज़ें आधुनिक संस्कृति से सभी जनजातियों में सेम यही परिवर्तन है। ये पॉइंट आप सभी में कॉमन लिख सकते हो कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से ये परिवर्तन इस जनजाति में देखने को मिले। आज हम अपनी जो जनजाति है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, गोड जनजाति। अब गोड जनजाति जो है, गोड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोड जो जनजाति है विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लोग इसी जनजाति के अंतर्गत है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को किस नाम से जानते हैं, गोड के नाम से जानते हैं। गोड शब्द की उत्पत्ति माना खोंडा से, गोड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। अब इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं पहाड़ी पर निवास करने वाली या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजाति है वो गोड है। गोड अपने आप को कोइटूर या कोल के नाम से भी जानते हैं, कोल भी कहते हैं। सोलहवीं से मध्य 18वीं शताब्दी तक मध्य भारत में गोडों से शासित 4 साम्राज्य हुआ करते थे उस समय, यानी अपन बात करें 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो गोड थे, इनके चार भारत में चार महत्वपूर्ण साम्राज्य शासित राज्य थे, चार ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ये शासन करते थे। साम्राज्य गढ़, मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला पनपे, ये महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने शासन किया है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्होंने के द्वारा शासन किया गया। निवास क्षेत्र की अगर बात करें कि गोड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो निवास क्षेत्र में गोड जनजाति के कई वर्ग मध्य, बहुत सारे इनके उपजो वर्ग है, वो वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में निवास करते हैं। गोड जो है मुख्य रूप से सतपुड़ा पहाड़िया, मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, यानी उच्च भूमि का अर्थ होता है पठारी भूमि, बस्तर पठार और गडजत पहाड़ियों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। मानचित्र 2.3 में गोड जनजाति के निवास क्षेत्रों को प्रदर्शित किया हुआ है। 2.3 आप पीछे पलट के बुक में देख लेना, इसमें गोड जनजाति के निवास क्षेत्र जो है, इस प्रकार के आवास होते हैं उनके, तो निवास क्षेत्रों को दर्शाया हुआ है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के बीच मानी है। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पर 600 से लेकर 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई मानी जाती है। मानचित्र 2.3 में अपन देखी, इसके बाद में इन क्षेत्रों में देश की प्रमुख नदियाँ, अभी इसी क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, महानदी और गोदावरी का उद्गम हुआ है। इन क्षेत्रों में सघन यानी सघन का अर्थ होता है ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान जो होता है, गर्मी के तापमान समय में भी तापमान यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत जो है 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच में बना रहता है।
ये तो था इनका निवास क्षेत्र। इनके निवास क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है 120 से 160 सेंटीमीटर और इनका तापमान यहाँ पर कितना रहता है 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप जैसे ही नाम आए तो इसका मतलब होता है ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कार्य करते हैं, तो वो आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में माना जाता है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर से हमारा क्या कहना है, स्वयं का पेट ये स्वयं ही पालते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएँ बहुत ही साधारण, इनको ज़्यादा बड़ी आवश्यकताएँ नहीं है, केवल अपने पेट पालन के लिए ये कार्य करते हैं, तो इनकी साधारण सी आवश्यकताएँ होती है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि और आखेट, झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित जो कृषि है उसको झूमिंग कृषि और आखेट यानी शिकार, ये महत्वपूर्ण रूप से इनका। कुछ कुछ जो होते हैं गोल्ड वो क्या करते हैं, वनोत्पाद, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद संग्रह करते हैं और उनको माध्यम से अपने घर का परिवार का पालन पोषण करते हैं। पशुपालन और मछली पकड़ने का कार्य भी ये लोग करते हैं। दीपा कृषि झूमिंग कृषि का एक प्रकार है, दीपा जो कृषि है वो भी झूमिंग कृषि का एक प्रकार है, जिसमें क्या किया जाता है, भूमि पर 2 से 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है, पड़तकार देता है, उसके ऊपर कोई भी फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जला करके भूमि को साफ करके उस क्षेत्र को तैयार करते हैं और उसमें फावड़े और हल से कुरेद कर बीजों को क्या करते हैं, छिटक कर दूर दूर इसमें बो दिया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माताओं को और जंगल के अन्य देवताओं को क्या की जाती है, पशु बलि दी जाती है। ये इनकी मान्यता है कि जब बीज बो देते हैं उसके बाद में इनके द्वारा उस क्षेत्र में जो इनका जो देवता है उस देवता के सामने ये क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पशु बलि। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी डालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे, निचले भाग जो होते हैं वहाँ पर लकड़ी के लट्ठे रखते हैं, लकड़ी के बंडल बना करके उनको रख देते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। कुरुख केवट और धीवर वर्ग के गोड मछुआ कर्म का द्वारा मछुआ कर्म यानी मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं और साथ ही साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इनमें रावत वर्ग का जो मुख्य पेशा है वो है पशुचारण करना और दूध बेचना। आज वर्तमान में जो रावत वर्ग है, ये रावत वर्ग कृषि का कार्य करने लगे, कृषि के कार्य के साथ साथ पशुचारण और पशुओं के से प्राप्त होने वाला जो दूध है उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसमें अपन इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आखेट, अपन सभी जानते हैं शिकार, ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब वर्तमान समय में सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके ऊपर राजकीय नियमों से निषेध है, फिर भी लोग क्या करते हैं, कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार करते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान इन्होंने क्या किया, कृषि के रूप में शिकार को छोड़कर ये कृषि अपनाने लगे। अधिकांश गोड लोग अब कृषक बन चुके हैं। भोजन, अब भोजन क्या होता है इनका, कोदू और कुदकी जैसे स्थानीय अनाज गोडों के मुख्य खाद्य, कोदू और कुदकी इनका मुख्य अनाज है। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं और उत्सव और त्यौहारों पर इनके जो प्रसिद्ध पकवान के रूप में जो मानते हैं वो है चावल। शिकार से प्राप्त व बलि दिए जाने दिए जानवरों का मांस भी ये लोग खाते हैं। गोड धूम्रपान करते हैं तब महुआ से बनी शराब का सेवन, अब बील भी महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं और गोड भी, तो इनकी बहुत सारी आदतें जो है एक समान मिलती है। वस्त्र और आभूषण की अगर बात की जाए तो गोड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने, इनके चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए गहने भी पहनते हैं, जिसमें कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, गले में काले मनकों, गले के अंदर काले मनकों और कौड़ियों से बना हार पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, शरीर के ऊपर कहीं पर भी क्या होते हैं भी अपन देखते हैं, कई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हाथों पर या कहीं पर भी वो उससे परमानेंट जो होता है काली जो होता है उसे कटर से अपना नाम गुदवा रहे थे, गुदवाने का अर्थ होता है जो मिटता नहीं है दोबारा। तो ये इन लोगों के भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गोदना गुदवाने का शौक ज़्यादा रहता है। लड़की अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन तक, अब इसने कहा है कि लड़कियां जो होती थी वो अपने बालों के जूड़े, जो बालों का जूड़ा होता है यानी बालों को जो बांध दिए जाते हैं, तो सफ़ेद बांस से बने, सफ़ेद बांस के जो बांस होता है उससे बने हुए आधे दर्जन कंघे वो उस जूड़ों में फंसा करके अपने पास रखती है। इनके निवास क्षेत्रों की अगर बात करें तो गोड जो है नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गाँव में निवास, पल्ली बोलते हैं छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवा कर उस स्थान पर क्या करते हैं, उत्सव मनाया जाता है और उत्सव मनाने के बाद में ये क्या करते हैं, अपना
उस जगह आवास बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। किसी स्थान पर जहाँ पर आवास बनाएंगे वहाँ पर बतख या मुर्गे दोनों में से एक ही बलि वहाँ पर दी जाती है। जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। अब देखो चीज़ें इनके द्वारा बनाए हुए घर जो होते हैं उसमें कमरा होगा, रसोई होगी, बरामदा होगा और पूजा घर, इनका मुख्य रूप से ये चीज़ें बनाते हैं। चित्र 2.14 में गौड़ आवास प्रवेश का उत्सव का दृश्य, इसे जिस पीछे वाला का जो आगे वाला जो 14 नंबर जो दिखा रखा है 2.13 और 2.14, तो इसमें ये इनके प्रोग्राम का फंक्शन का जो चित्र है ये इसमें दिखा रखा है और इसमें से कुछ चित्र गायब है। अब इनके औजार और बर्तनों की अगर बात करें तो गौड़ लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार फलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक बना करके तैयार रखते हैं और लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गौड़ के घरों में कुछ चारपाइयाँ, लकड़ी के स्टूल होते हैं, दरिया बैठने और सोने के लिए काम में ली जाती है। इनकी समाज और संस्कृति की अगर बात करें तो ये भी क्या है, जैसे भील समाज है उसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, फिर ताकि मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। तो सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार, अब सबसे बुजुर्ग जो परिवार में होता है उसको मुखिया माना जाता है। गौड़ लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, नाम से पता चल रहा है सेवा विवाह, यानी इसमें क्या किया जाता है, जब गौड़ जनजाति के अंतर्गत सेवा विवाह में लड़का जो होता है वो लड़की के घर पे एक साल दो साल के लिए वहाँ पर सेवाएं देता है और जब उनके उस चीज़ के सब कुछ सही भाई बिल्कुल काम सेवा देने में सब माहिर है, अच्छी तरह से उनके जज जाता है तब जा करके वो उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करते हैं। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, लड़की देना और लेना, वो विनिमय हो गया। हरण विवाह अपहरण के माध्यम से, विधवा विवाह का प्रचलन भी है, विधवा जो किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ भी लोग शादी करते हैं। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट या तो आम के वृक्ष के नीचे ही किया जाता है। इन्होंने कहा है कि इन लोगों में विवाह समारोह जो होता है वो घर पर नहीं करके या जल स्रोत के निकट या आम के वृक्ष के नीचे ही इनके द्वारा किया जाता है, वहाँ पर इसका आयोजन करते हैं और इस अवसर पर अनिष्ट से यानी विवाह में किसी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनि का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम, तथा गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत ही करती है। इनके गांव के पुजारी और पुरोहित को देबारी के नाम से देबारी कहा जाता है, और पुजारी पुरोहित जो होता है उसको देबारी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। गौड़ जो होते हैं इनके बोली जाने वाली जो भाषा है द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित, जिसका संबंध तमिल और कन्नड़ भाषा से। कई गौड़ हिंदी, मराठी और तेलुगु भी बोलना जानते हैं। साधारण साक्षरता का स्तर जो है देश के औसत से बहुत ही नीचे है। इनका जो साक्षरता के देश का औसत कितना है, अपने जो देश की जो साक्षरता है 74%, उससे काफ़ी नीचा है। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे, महिला साक्षरता तो यहाँ पर नाम मात्र की है। गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व और उत्सव मनाते हैं। गौड़ जो होता है पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने और नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। इसने कहा है कि गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ कुछ महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार जो होते हैं उनको मनाते हैं। और पूर्णिमा की रात्रि के दिन, पूर्णिमा को जो पूरी रात चांदनी होती है, चांदनी में रात में ये क्या करते हैं, इकट्ठे होकर गाने और नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं। धूलिया गौड़ों की प्रमुख गायक जाति है। धूलिया एक इनमें प्रमुख जाति है जो गाने का काम करती है। प्रधान गौड़ों की मान्यताओं और इतिहास को गाकर लोगों को क्या करते हैं, ये जो गायक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रधान गौड़ जो मुख्य जो व्यक्ति होते हैं समाज में उन समाज के व्यक्तियों के इतिहास को गाकर सुनाने का काम ये करते हैं। प्रधान की कथानुसार जब गौड़ों के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया था, इसलिए शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया और गौड़ों के नायक पानेड़ी कपारलिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया था और वे चार समूह में गुफा से बाहर आए, यानी चार समूह बन गए। उसके बाद में तब इसे गौड़ जो समुदाय है वो चार समूहों में बट गया, इसे गौड़ी भाषा में सगा कहते हैं। गौड़ जो है भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन, इनके मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था, मुर्गों की लड़ाई।
मनोरंजन करते थे। बड़ा देव श्री शंभु महादेव और प्रसाद पैन इनके प्रमुख देवता है। ये महत्वपूर्ण देवता थे जिनको शीतला माता और छोटी माता को भी पूजा करते थे। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की क्या करते हैं, बलि देते हैं। इनके इनमें अनेक प्रकार के जादू टोनों का प्रचलन, यहाँ की इसकी जो समाज के जो व्यक्ति है वो बहुत सारे जादू टोने भी करना जानते हैं। रात्रि में जागरण करते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू है, सब पर कुछ प्रतिकृत, लेकिन कुछ क्या है, प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है और गौड़ लोग काली और दंतेश्वरी और बड़ा देव को नर बलि देने का कार्य भी करते हैं। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, इस बलि को, तो गौड़ जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते और दफनाते हैं। मृत शरीर को जलाने और दफनाने का काम दोनों ही प्रकार के काम करते हैं। विश्वास है कि आत्मा क्या है, अजर अमर है। तो ये इनका महत्वपूर्ण क्या था, समाज और संस्कृति है। वही चीज़ है सेम कि आधुनिकता से इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिला, जो यहाँ पर मिला वही पीछे वाले में, सब में वही परिवर्तन है। गौड़ लोगों के आवास से क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति, काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग खदानों और अन्य उद्योगों में काम करने के रूप में कार्य करने लगे। खनन और निर्माण केंद्रों के समीप नई और स्थायी बस्तियाँ आज बस गई है। इन बस्तियों में अस्पतालों, विद्यालय, बाजारों, बैंकों, पंचायतों की स्थापना हुई। सड़क और रेल मार्गों के माध्यम से इनका संपर्क शहरों से बढ़ने लगा और इनमें काफ़ी परिवर्तन, इनकी जीवन शैली में बड़ी तेज़ी से बदलाव आया। पुराने रीति रिवाज और मान्यताओं की पकड़ ढीली होने लगी और सरकार ने दासता के प्रतीक कबाड़ी प्रथा को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को ले चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलाम बनकर के गुलाम की भांति कार्य करना पड़ता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा, जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया। गौड़ जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगी और इनका जीवन स्तर भी आज वर्तमान में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो चुका है। तो जीवन स्तर में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये समाज और संस्कृति, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनका वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा, खान पान सभी चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। ये आखेड़ छोड़ करके शहरों में मजदूरी करने लगे जिससे इनके परिवार का अच्छी तरह ढंग से पालन पोषण कर सके। नमस्कार।